तो राज्य में एक साथ त्रण वरसादी सीस्टम सक्रिय थई छे। वरसाद अंगे हवामान विभागे आगाही करी छे। ऑफशोर ट्रफ अने वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय थयुं छे। राज्य में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सक्रिय थता ज दक्षिण गुजरात अमुक जिल्ला में वरसाद ओरेन्ज अलर्ट अपायुं छे। सूरत वलसाड नवसारी में ओरेन्ज अलर्ट अपायुं छे। तो तापी दमण दादरा नगर हवेली में ओरेन्ज अलर्ट अपायुं छे। अमदावाद में गाजवीज साथ वरसाद येलो अलर्ट हवामान विभागे आप्युं छे। तो आणंद वडोदरा भरूच में भारी वरसाद येलो अलर्ट अपायुं छे। भारी वरसाद येलो अलर्ट अपाता ज तमाम जग्याए नजर राखवामां आवी रही छे। हवामान विभाग नजर राखी रह्युं छे। दाहोद नर्मदा तापी में वरसाद येलो अलर्ट, तो डांग बोटाद भावनगर में येलो अलर्ट अपायुं छे। फिलहाल की स्थिति के अनुसार रेड अलर्ट कहीं नहीं दिया गया है अगले 5 दिन तक, लेकिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है डेवन में, गुजरात रीजन में दिया गया है, जिसमें कि दादर नगर हवेली, दमन, वलसाड, नवसारी और सूरत हैं। डे टू में इसके साथ साथ भरूच, डांग और तापी में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और जहाँ डे थ्री की बात है वो सिमिलर रहेगा डे टू की जैसे, और डे फोर में जो है उस थोड़ा सा एक्टिविटी गुजरात रीजन में कम होगी, दादर नगर हवेली और दमन में, नवसारी और वलसाड, और डे पाँच में भी ऐसा ही रहेगा। जहाँ तक सौराष्ट्र कच्छ का सवाल है, डे वन और डे टू में कोई ऑरेंज अलर्ट नहीं है, जबकि डे थ्री में एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें हमने भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, पोरबंदर, जूनागढ़ और राजकोट में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है डे थ्री के लिए। डे फोर में उसमें थोड़ी एक्टिविटी और बढ़ेगी, जिसमें एक्टिविटी द्वारका और जामनगर तक भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और डे फाइव में जो है थोड़ा सा कम होके सिर्फ अमरेली में, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर और द्वार देवभूमि द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है।